आज मैं फिर से हॉस्पिटल में आ चुकी हूँ और ये है हॉस्पिटल और ये मेरे गोरी नानी। तो ये मेरी गोरी नानी अभी एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, तो बस उनको देखने के लिए मैं हॉस्पिटल में आ चुकी हूँ। तो चलो चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो हॉस्पिटल की बिल्कुल भी नहीं बनाने की थी, क्योंकि मेरी गोरी नानी को वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनको मैंने ज़्यादा नहीं लिया। लेकिन मेरी गोरी नानी के लिए, दुआ के लिए आप सबके लिए वीडियो बनाई है, ताकि किसी की भी दुआ से मेरी गोरी नानी जल्दी से अच्छी हो जावे। और एक बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि जब भी कोई बीमार को देखने जाओ तो उनको प्यार से मोहब्बत से समझा के बोलो कि कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदु रसूलुल्लाह पढ़ा करे। और उसके साथ में एक और कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ये कलमा कसरत से पढ़ते रहे, ताकि अगर अल्लाह पाक ने जिंदगी रखी होगी तो उनके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे और वो ऐसे पाक होगा जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा होकर है। और अगर मौत होगी तो शहादत वाली मौत नसीब होती है। तो ये छोटा सा अमल आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए मैंने ये छोटी सी आज की ये वीडियो बनाई है। तो आप लोगों को नहीं समझ में आया कि मैं क्या बोली हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर से पूछना। और जो भी बीमार को देखने जाता है तो वो लाजमी उनको अच्छे से समझा काओ कि कलमे की ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह पढ़ा करे मन मन में। और जो भी उनके पास रहता है उनको भी चाहिए कि उनके सामने बैठ के तस्बीह पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदु रसूलुल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन की भी तस्बीह पढ़ने की यानी तस्दीक करा करे। आई होप आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अल्लाह हाफिज।